जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ, मैं हूँ रूहानी। अगर मैं कहूँ तो अभी मैं इस ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से यहाँ से रूट जो है निकलते हैं जम्मू के अलग अलग स्थानों के, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहती है। और ये कैसा फ्लाईओवर के नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक ऐसी जगह रही है जहाँ पर एक तरफ जो है यहाँ पर तस्वीरें गढ़ी गई है, यहाँ पर बिल्कुल जो है यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई है और जम्मू की खूबसूरती दर्शाने की कोशिश की गई है। और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन समय समय पर इसके लिए हरकत में भी आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें तो प्रदूषण की जो मात्रा है वो बढ़ रही है और इसी के तहत जो है केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला एक बार फिर से अमल करने की सोची और कहा कि दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर जो है वो ऊपर जा रहा है उसके तहत हमें वो स्तर नीचे लाना है और जो गाड़ियों का जो धुआं निकलता है, जो प्रदूषण होता है हवा में, उससे निजात पानी है। इसीलिए उन्होंने ये भी एक गुहार लगाई कि मैं आग्रह करता हूँ दिल्ली वासियों से कि आप जो है दिवाली का मौका आने वाला है, दिवाली के उपलक्ष्य पर पटाखे ना जलाकर इको फ्रेंडली जो है दिवाली मनाया जिसमें दिए जला जाए। वही अगर मैं कहूँ तो जम्मू में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहाँ पर गाए गए और पर्यावरण का जो महत्व है हमारे जीवन में वो समझाया गया। इस तरह से पौधे यहाँ पर लगाए गए और ये कहा जा रहा है कि प्रदूषण की मात्रा कम करने के लिए पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक भी हो सके तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरा विश्व जो है इस एक परेशानी से काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समय समय पर जो है वातावरण व पर्यावरण को लेकर बहुत मुद्दे उठाए और इसके लिए उनको सम्मानित भी किया गया। लेकिन जिस तरह से जम्मू में अगर हम कहें तो जम्मू में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हालांकि मौसम में जब ठंडक होती है उसके बाद अचानक ही उमस जो है उसका स्तर भी बढ़ जाता है, लेकिन पर्यावरण का महत्व समझाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर हर एक नेता जो है ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करूँ तो वो भी जो है इस महत्व को समझते हैं और कहते हैं कि प्रगति जो है हमारे लिए ईश्वर का बहुत बड़ा तोहफा है, हमें उसको बचाना चाहिए और अपने सेल्फिश एंड को सर्व करने के लिए इसको जो है वो प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हवा की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि हवा में जो जिस तरह से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है गाड़ियों के धुएं से, वो भी एक चिंता का विषय है। वहीं साथ साथ अगर हम कहें तो पानी भी जो है उसको भी दूषित किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। और अब जो है जिस तरह से विस्तार हो रहा है, जिस तरह से जीवन आगे बढ़ रहा है, तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं प्रगति को जो है वो नुकसान पहुँच रहा है। सामने देखना, सामने सारे 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 कहा कि प्रशासनिक अधिकारी भी जो अपना कर्तव्य है काफी निष्ठा से निभा रहे और पर्यावरण के संरक्षण के लिए आ गए हैं। सर, सबसे पहले एक सवाल करूंगी, अगर मैं कहूँ तो केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन फार्मूला फिर से लागू किया है, कहा जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर जो है उसको कम करना है, कि किस तरह से आपको फैसला लगता है, क्या इस तरह के फैसलों की जरूरत जो है आपको लगता है कि देश में और होनी चाहिए क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है? पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम तो होने चाहिए। जैसे हमने आज वृक्ष आरोपण का कार्यक्रम RBS के डार्क एसोसिएशन ने किया, ऐसे और भी कार्यक्रम होने चाहिए। आपको एक सवाल करूंगी, अमरनाथ यात्रा जब आई थी तो यहाँ पर इस तरह से पेंटिंग्स बनाई गई थी, हर एक अधिकारी ने इसमें एक जिम्मा उठाया था, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो उमस बढ़ रही है, लगता है कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है तो पौधे लगाने से कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा हवा में? ज़रूर फ़ायदा होगा, पौधे लगाने से कहीं भी आप देखिए, पौधे हमारा लंग्स हैं, हमारे किसी भी सिटी में पौधे हैं या ग्रीनरी है वो लंग्स है, सभी की जिम्मेवारी है लगाएं और जो लगे हुए हैं उनको भी बचाएं।
कई जगह ऐसा नहीं है कि हम जंगलों को काट के पौधे उनके काट के हम उधर घर बनाएं या कोई ऐसे डेवलपमेंट करें। अगर बहुत ज़रूरत है तो उसकी जगह और सुनिश्चित करें कि और लगाएं, और जो लगाए हुए हैं उनकी पालन पोषण भी करें। प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर मैं कहूँ तो अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते हैं मजबूत करने के लिए सम्मान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो पर्यावरण का वो मुद्दा उठा रहे हैं उसके लिए भी सम्मानित कर रहे हैं देश, तो आपको लगता है कि हमारे देश में अब जिस तरह से नो प्लास्टिक जोन की एक बात की गई है या फिर प्लास्टिक मुक्त भारत, अब इसी तरह से एक मुहिम जो है वो पौधों के लिए भी शुरू होनी चाहिए? जी, ये बहुत अहम मुद्दा है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी हमने ये जम्मू को प्लास्टिक मुक्त कराने के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी कार्यक्रम शुरू कर दिए। आप आने वाले दिनों में देखो कि हम सभी लोग, आप इंक्लूडिंग मीडिया भी, सभी इसमें शामिल होंगे और अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है। साफ तौर पर आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में एक और मुहिम जो है वो रंग ला रही है और सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने आग्रह किया था भारत की जनता से कि आप जो है सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी कि वो प्लास्टिक जो एक ही बार इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल ना करकर अगर आप बॉटल्स जो है प्लास्टिक इस्तेमाल करते हो उसकी जगह शीशे की बोतलों का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला प्लास्टिक जो है वो काफ़ी खतरनाक है पृथ्वी के लिए भी और जो जीवन है हमारे उसके लिए भी, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो पृथ्वी भी स्वस्थ रहेगी। और ये हमारे भी एक अपील रहेगी कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में प्रधानमंत्री का योगदान, और इसी तरह से जिस जम्मू में प्रशासनिक अधिकारी जो है समय समय पर सामने आते हैं और यहाँ पर पर्यावरण के महत्व को समझते हैं, प्रकृति के महत्व को समझते हैं और ये समझते हैं कि अगर हम पौधे लगाएंगे तो डिफॉरेस्टेशन की जो समस्या है, तो कहीं ना कहीं अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है जनसंख्या जो है बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हमारी डिमांड्स बढ़ रही है और उसका असर जो है पेड़ पौधों पर दिखता है, उसका असर जो है लकड़ी पर दिखता है जो पेड़ों से हमें प्राप्त होती है, तो सीधे तौर पर असर जो है पर्यावरण पर पड़ता है। पानी को दूषित मत कीजिए, आप जो है हवा में जो है इस तरह से कीटाणु पाए जाते हैं जिससे कहा जा रहा है कि अगर प्रदूषण होता है हवा में, अगर वहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है तो आपको जो है अस्थमा जैसी बीमारियाँ भी आती हैं, यानी कि अगर आप अपनी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण का नुकसान करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान जो है आपकी सेहत को ही भुगतना पड़ेगा और ऐसा नुकसान होगा जिससे आप जो है उभर नहीं पाएंगे। आगे आने वाली जनरेशन को भी एक ऐसा तोहफा दीजिए जहाँ पर प्लास्टिक मुक्त भारत भी हो और जहाँ पर हर तरफ हरियाली हो और जहाँ पर स्वच्छ जो है वातावरण हमारी आने वाली जो जनरेशन को मिले। इसी के साथ कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ में रूहानी, आप सब जानते हैं।